यार मेरी एक सब्सक्राइबर है कविता कुलवंत, तो उन्होंने भी गिव अवे के लिए सारे रूल्स पूरे किए, लेकिन उन्होंने मुझे मैसेज किया कि शिल्पा दो आई मीट ऑल द कंडीशंस ऑफ योर गिव अवे, लेकिन मुझे तुम लकी ड्रॉ में मत डालना क्योंकि मैंने अभी विंटर जैकेट लिया है, आई डोंट वॉन्ट टू स्टील द चांस फ्रॉम समवन एल्स, सो दैट वॉज सच अ स्वीट जेस्चर। लेकिन उनका कॉमेंट ऐसा है कि आई रियली वॉन्ट टू शेयर विद यू। वैसे तो बहुत सारे कॉमेंट्स में जिस दिन हम लोग गिव अवे डिक्लेयर करने वाले होंगे उस दिन मैं आपको बताऊंगी, लेकिन क्योंकि मैं ये एंट्री लकी ड्रॉ में नहीं डाल रही हूँ और उन्होंने खुद मना किया है, विलिंगली विड्रॉ किया और फिर भी पार्टिसिपेट किया, तो मुझे लग रहा है कि यार मेरे को आपको बताना चाहिए कि उन्होंने क्या मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज किया है। आई डू लाइक चिटचैट विद शिल्पा बिकॉज शिल्पा इज यू, शिल्पा इज मी, शिल्पा इज लिटिल बिट ऑफ ऑल ऑफ अस। शिल्पा रिप्रेजेंट्स द फ्री स्पिरिटेड गर्ल, शिल्पा इज द डॉटर एवरी वन वॉन्ट्स, शिल्पा इज अ फ्रेंड दैट वन वुड चेरिश फॉर एवर, शी इज अ फ्रेंडली मॉम एंड वाइफ फुल ऑफ अ हैप्पी लाइफ, ओह शी इज द गर्ल नेक्स्ट डोर and she was sweetheart to the core, seems she's a poet, empathetic she is, motivated too, influencer she became and made the haters shoo, she's actually a poet, when she says chit-chat family she means it in true sense, honest and proud, different from crowd. थैंक यू कविता, थैंक यू सो मच। ठीक है, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, मैं आपका नाम लकी ड्रॉ में नहीं डालने वाली, लेकिन मेरे लिए आप ऑलरेडी विनर हो। With all the people who have commented for me, you all are winners for me. Thank you. Good morning, guys. Friday, happy Friday. क्या plan आप लोगों का weekend का? अपना plan share करूँ मैं? मेरा plan है weekend का कि Friday को office से आके जल्दी से मैं खुद video बनाना शुरू कर दूँगी। अमित की wait किए भी ना, वरना generally हम लोग मैं अमित की wait करती हूँ और हम वीडियो कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम लोग एडिटिंग शुरू करते हैं, लेकिन आज हमारे को फिर से संगीता जी के घर पे जाना है सत्संग पे, क्योंकि हम लोग ना हर महीने एक बार करते हैं, तो संगीता जी ने दिसंबर का भी बड़ी जल्दी कर लिया कि भाई ठीक है करना तो है ही, सॉरी मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ तो फिर आईडी बैज और सारा कुछ अपने आगे रख रही हूँ गाड़ी में, तो उन्होंने दिसंबर का भी जैसे नवंबर का लास्ट वीकेंड पे रखा और दिसंबर का फर्स्ट वीकेंड भी रख लिया, तो इस चक्कर में दो वीकेंड्स लगातार हम लोग उनके घर पे जाएंगे। सुबह वो क्या कर रही है सुबह 3 बजे, फिर कल सैटरडे मम्मा को मूवी दिखाने लेकर जाएंगे और डिनर पे जाएंगे और संडे को हम लोग चीकू सैम से गुडुदी से मिल रहे हैं। मैं अभी ऑफिस निकलती हूँ, बाकी बातें ऑफिस में करेंगे। 12 बज गए हैं और मेरे को लगा यार इतनी तेज भूख क्यों लग रही है मुझे, वरना मैं इतनी जल्दी खाना नहीं खाती हूँ, इतनी भूख लगने लग गई कि मैं आकर सब्वे लेने आई हूँ ऊपर। तब याद आया कि कल फास्ट रखा था मैंने और पूरे दिन में बस वो एक बेसन का चीला खाया था, भूख तो लगनी थी, तो आज एक तो हेल्दी नवंबर ख़त्म हो गया है तो थोड़ी सी चीटिंग चल सकती है और मुझे सब्वे बहुत पसंद है तो सब्वे वेज पैटी, मेरे ऑफिस में सब्वे है भी सही तो अभी मैं सब्वे लेने आई हूँ लंच में, आज लंच ब्रेकफास्ट इसे सब्वे खाएंगे। सो आई हैव टेकन मल्टीग्रेन ब्रेड। एक बात बतानी थी, मतलब मैं ना रुक नहीं पाई शेयर करने के लिए, मैं वॉशरूम में आ गई कि भाई मैं पहले ना रिकॉर्ड करती हूँ इस बात को कि मेरी एक्साइटमेंट जो अभी है ना वो शाम तक ना डाउन ना हो जाए। अभी एमी के स्कूल से फ़ोन आया अमित को कि 13th of December से आफ्टर केयर में सीट एमी के लिए अवेलेबल हो गई है। इतना डर था ना यार इस बात का, मम्मा 10th को वापस जा रहे हैं और मेरे को ऑफिस में, तो मैंने बात करी ऑफिस में लेकिन 3 दिन से 2 दिन बोलते हैं उन्होंने कि चलो हफ्ते में 2 दिन आ जाना, और अमित का तो हफ्ते में 5 दिन ही ऑफिस रहता है। अब सो वरिड कि जो 2 दिन मुझे ऑफिस जाना होगा वहाँ पे एमी कहाँ जाएगी उन 2 दिनों में, हम क्या करने वाले हैं, और एक हफ्ता रह गया था बस मम्मी को जाने में, एक हफ्ते में चीज़ें ढूंढनी थी। कल मैंने इतनी जगह फ़ोन किया विडबी में जो भी आफ्टर केयर सर्विस देते हैं कि वो पिक एंड ड्रॉप करते हैं, नहीं पिक एंड ड्रॉप करने वाला मुझे कोई बंदा नहीं मिला और मेरी ना सच में जान फूकी हुई थी, ऊपर से मैं कैसी मर्जी दिख रही हूँ बट ना दिमाग में इतनी टेंशन थी, रात को ना नींद नहीं आ रही थी ये सोच सोच कर कि मम्मा के जाने के बाद हम एमी का करेंगे क्या, और वो भी सिर्फ क्रिसमस ब्रेक तक फिर भी कुछ कर सकते थे कि यार 2 दिन है चलो किसी फ्रेंड के घर चली गई, दो किसी भी फ्रेंड के घर फुल डे जाना इफ़ नॉट पॉसिबल, बट मेरे को था कि यार डे केयर मिल जाएगा
और क्रिसमस टाइम में क्या करेंगे, जब स्कूल बंद होंगे तब क्या करेंगे? वरना था मेरे को कि भाई चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं मिला तो मैं अपने ऑफिस को ना हाफ डे लिया करूँगी, जिन 2 दिन मैंने ऑफिस आना होगा, और 2 बजे मैं अपने ऑफिस से निकल कर एमए को पिक कर लिया करूँगी. ये सोचा हुआ था दिसंबर में ऐसे काम चलाएंगे, बट जनवरी दैट वॉज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन राइट. लकीली टाइमिंग देखो, टाइमिंग कि मम्मा 10th को जा रहे हैं और 12th, 13th, 14th तो वैसे मैं घर से काम कर रही हूँ, मुझे 2 दिन ही आना है, और हमारे को आफ्टर केयर सीट मिल गई है, स्कूल में ही मिल गई है. प्रॉब्लम यही थी स्कूल, बाकी जगह मिल रही थी कि कौन एमी को स्कूल से लेकर बाकी जहाँ पर भी सीट मिल रही है वहाँ ड्रॉप करने जाएगा. सो हैप्पी. चलो जी, दिहाड़ी ख़त्म हो गई है, ऑफिस से छुट्टी हो गई है और वीकेंड शुरू हो गया. आज ऑफिस से निकलते हैं, बहुत लेट हो गई हूँ, 5:30 हो चुकी है और मैं 8:45 पहुँच गई थी आज, तो 45 मिनट्स का फ्री का ओवर टाइम करके जा रही हूँ मैं यहाँ पे. मेरा ऑफिस ना एक्चुअली बेसमेंट में है, तो हम हॉस्पिटल के बेसमेंट में बैठते हैं, वहाँ पे HR का ऑफिस है पूरा, तो अपना पता ही नहीं चलता, कोई विंडोज भी नहीं है, बेसमेंट मतलब डीप बेसमेंट में है, बाहर झांकने के लिए एक विंडो भी नहीं है. मोस्टली तो हम लोग ऐसे बाहर आते नहीं है, सीधा सुबह अंदर गए बेसमेंट में बैठ गए और फिर शाम को ही निकलते हैं, तो तब सरप्राइज मिलता है क्या मौसम है, स्नो है, बारिश है, ठंड है, विंड है, क्या है, एकदम सरप्राइज मिलता है. जैसे अब पता चल रहा है कि आज बड़ी बारिश हुई हुई है, तो जगह जगह पानी भी भरा हुआ है. ये देखो गाइस, अभी घर पहुंची हूँ मैं, और जब स्ट्रीट में एंटर किया ना तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आज ना दिवाली की रात है. वैसे दिवाली की रात नहीं है, क्रिसमस का सीजन चल रहा है, मगर आज ना स्ट्रीट पे बहुत सारे लोगों ने क्रिसमस की डेकोरेशंस कर दी है, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया में दिवाली वाला माहौल नहीं रहता कि हर घर जगमगा रहा है, हर एक घर के बाहर लाइट्स लगी हुई हैं, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, ब्यूटीफुल सा. एम, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं सांता को लेटर भेज रही हूँ. ओह, सांता को लेटर भेज रहे हो? या, डियर सांता, मेरी क्रिसमस. ओके, और अब आगे और क्या लिखने वाले हो आप? दिस लेटर इज फॉर अ थैंक यू फॉर बीइंग इन आवर लाइफ एंड गिविंग अस प्रेजेंट्स एट क्रिसमस टाइम. सो दिस लेटर इज फॉर यू फ्रॉम सो मच लव एंड सो मच गिफ्ट्स. सो दिस लेटर इज फॉर लव फॉर यू मेकिंग अस क्रिस गिविंग अस गिफ्ट्स फॉर क्रिसमस डे टू. बट दिस लेटर इज है? आप भी सेंटा को गिफ्ट देने वाले हो क्रिसमस पे? दैट्स नाइस. आई मीन, अच्छा सेंटा फेस पर क्या मांगने वाले हो आपकी विश लिस्ट में फॉर क्रिसमस? क्या चाहिए आपको? तो अब ये बता, इतना बड़ा तूने जो हमारे को सुनाया है लेटर, वो लिखने वाली है या फिर ऑडियो लेटर भेजने वाली है? ऑडियो लेटर. गाइस, आज ना वीडियो एडिट मैं करने वाली हूँ, क्योंकि अमित बहुत टायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं, आते ही सो गए वो, और हमने जाना है सुबह सत्संग पे. सुबह तो क्या अभी निकलना है, बस 11 बज चुके हैं, 2 बजे निकलना है, तो आई रियली वॉन्टेड हिम टू टेक सम रेस्ट, लेकिन मैं छोड़ना भी नहीं चाहती थी वीडियो. ऐसा भी नहीं कि मैं चाहती थी कि चलो आज वीडियो डालते कल डालते, क्योंकि अगेन जिनके बर्थडेज हैं उनको कितना बुरा लगेगा ना अगर मैं अनप्लान्ड ऐसे छुट्टी ले लूँगी कि यार हमारे बर्थडे भी छुट्टी लेनी थी. और बर्थडे बताऊंगी किन किन के, ठीक है, लेकिन पहले मुझे उससे पहले आपको हेल्दी नवंबर के अपडेट्स देने हैं. मैंने वो कहा था ना कि मेरे को अपडेट भेजो और फिर मैं बताऊंगी हेल्दी नवंबर का क्या रहा. यार अगर हमने एक मिशन लिया था, हमने कुछ ऐसा स्टार्ट किया था, तो बताना तो बनता है ना नवंबर खत्म होने के बाद कि किस किसने पार्टिसिपेट किया और क्या क्या रिव्यूज आए. तो मेरा अपडेट ये है कि एटलीस्ट मुझे ना होप वापस मिली है. मैं अक्टूबर क्या जब से मैं इस घर में आई थी ना, मतलब जब सब कुछ इतना हाफ एफर्ट हो गया था, मैंने होप ही छोड़ दी थी. एंड आई विज कपड़े भी इतने अच्छे से फिट नहीं आ रहे थे, तो एटलीस्ट ये हुआ है कि आई एम मोर कॉशियस अबाउट ईटिंग फूड, कि मैं क्या खा रही हूँ, कोशिश करती हूँ जल्दी खा लूँ, कोशिश करती हूँ जंक ना खाऊँ, कम खाऊँ. इसके अलावा जिम सेटअप कर दिया मैंने दोबारा अपने घर में. मैं ये तो नहीं कह रही कि आई एम वेरी रेगुलर एट जिम, आई स्टिल नीड टू वर्क ऑन इट, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जिमिंग शुरू कर दिया है, कि जहाँ पहले बिल्कुल भी नहीं होता था, अब 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे की रनिंग हो जाती है. ये एक अच्छी चीज़ हुई है. वेट ज़्यादा मैंने कम नहीं किया, स्केल पे तो नहीं दिख रहा है, बट वेन आई वेयर माई ड्रेसेस तो मुझे पता चल रहा है कि यार एज कम्पेयर टू अक्टूबर और सेप्टेम्बर हाउ दोज ड्रेसेज आर फिटिंग मी, दीज आर फिटिंग नाइसली ऑन मी नाउ.
तो ये मेरे अचीवमेंट्स हैं, बट ऐसा नहीं है कि जो गोल था वो अचीव कर लिया है, इट विल कंटिन्यू इन दिसंबर एज वेल. और मैंने कुछ खास अचीव नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी चिटचिट फैमिली ने नहीं किया, इम्प्रेसिव चीज़ें भी लोगों ने अचीव करी है. जैसे फुरकान सईद, उन्होंने 5 kg लूज़ किया है. दिलेश तवे जी ने, उनका टारगेट था आई गेस 3 kg लूज करना या 5 kg लूज करना, उन्होंने 2.1 kg लूज किया है एंड ही इज ऑल्सो कंटिन्यूइंग हिज हेल्दी दिसंबर. शाहरुख ने 4 kg लूज किया है, और शाहरुख के तो ना हेल्थ इश्यूज भी थे, उनकी फिजियोथेरेपी चल रही थी, उनका लिगामेंट में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उसके बाद भी शी केम बैक ऑन अ रूटीन, जिम शुरू कर दिया एंड 4 kg गर्ल इन 1 month kudos. और बड़े सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने हेल्दी ईटिंग शुरू कर दी है, सैलड खाना शुरू कर दिया है, माइंडफुल हो गए हैं खाने के लिए. आकांक्षा जैन, शी सिंह, शी हैज़ गॉन बैक ऑन हेल्दी ईटिंग. सना असीम वेंट बैक ऑन हेल्दी ईटिंग. नलेश गजारा जी ने बोला कि नाउ ही स्टडिंग 7 to 8 hours, स्टेमिना बढ़ गया है उनका बिकॉज हेल्दी नवंबर उनके माइंड में भी काम कर रहा है. आई एम सो प्राउड ऑफ माई चिटचिट फैमिली, कीप इट अप गाइस. क्या था? Because the lion dressed up as a shark, but lion still wanted to eat meat. Lion dressed up as a shark. मेरी एक सब्सक्राइबर है शारू, उन्होंने लिखा है कि एमी ना बड़े ब्रेनी रिडल्स पूछती है. मैं कहूंगी एमी बिल्कुल पीजे वाले रिडल्स पूछती है. लायन ड्रेस्ड अप एज अ शार्क, सो फनी एमी, इनफैक्ट नॉट सो फनी. मामा, बच्चों के रिडल ऐसे होते हैं, आपको नहीं पता? बच्चों के रिडल ऐसे ही होते हैं. ओके, आज का ज्ञान है आपके पास कुछ देने के लिए? गाइस, यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल इफ यू यूजिंग शार्प थिंग्स. ओह ओके. आज मेरा बहुत शाउट आउट है जानवी के लिए. जानवी, जानवी के लिए आई लव यू जानवी. रात के 12:30 बज रहे हैं, अमित सो चुके हैं, एमी भी सो चुकी है अपने रूम में, और मेरे को नींद आ नहीं रही या मैं सो नहीं सकती, बिकॉज अगर मैं सो गई तो मैं सत्संग में नहीं जा पाऊंगी. सो कर उठ कर मेरे से नहीं जा रहा था, तो सिर्फ एक ही बंदा है घर में जिसको मैं जगा सकती हूँ और गप्पे मार सकती हूँ उस टाइम ताकि मैं जागी रहूँ, वो है मम्मी. मम्मी के पास अभी गई थी कि मम्मा जाग रहे हो, मम्मी के पास कभी पूछ लो, कभी भी पूछ लो कि मम्मा जाग रहे हो. कितनी भी देर हो चुकी होगी ना मम्मी को सोए हुए, मम्मी कहेंगी हाँ जाग रही हूँ. ये कैसे होता है पहले तो मुझे ये बताओ कि जब आपसे पूछते हैं कि आप जाग रहे हो, आप कहते हो हाँ जाग रही हूँ. नींद आती है? मेरे को गहरी नींद नहीं आती. अभी यहाँ पे नहीं आती कि इंडिया में? इंडिया में भी ऐसे है. कभी पूरी रात ना मम्मी को कभी भी पूछ लो, 2 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे, मम्मी जाग रहे हो? मम्मी हाँ जाग रही हूँ. ये कौन सी नींद होती है भाई? चलो अभी आपकी तबीयत कैसी है सबको ये बताओ आप. मेरी तबीयत आज ठीक है. ठीक है कि गोलगप्पे का पानी पी के ठीक हुई है? गोलगप्पे का पानी पिया है, रात को चिल्ला खाया बेसन वाला. हाँ, बेसन के चिल्ले से भी कोल्ड वगैरह ठीक होता है भाई. बेसन का पाना, मेरे को पता है बेसन का पाना बनाया थी तो चिल्ला खा लिया, सेम हो गया. हाँ, तो बेसन का पाना, बेसन का चिल्ला, उससे मम्मी का कोल्ड वगैरह ठीक हुआ है. एक दो बार मेडिसिन भी लिया है भाई. लोगों ने, सभी लोगों ने एक तो बोला है कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ, आपकी फ्लाइट है 10 तारीख को. लोगों ने बोला बाहर निकलना बंद कर दो, स्नो पे बिल्कुल भी मत निकलो. तो आज मम्मी को मेरे लिए सत्संग पे भी नहीं लेकर जा रहे, फिर मम्मी तो मैं जाएंगे. उल्टा संगीता जी ने बोला था कि मैंने इतनी जल्दी एक ही हफ्ते में सत्संग इसलिए रख लिया कि मम्मी फिर चले जाएंगे, तो चलो मम्मी की वजह से उन्होंने सत्संग रखा 3 तारीख का, क्योंकि पिछले हफ्ते उनके घर था. वो कहते यार फिर आंटी चले जाएंगे तो मैं अभी रख लेती हूँ, और आंटी नहीं जाएंगे सत्संग पे. तो मम्मा लोगों ने बोला एक तो हल्दी वाला दूध पियो, गरम हल्दी वाला दूध. तो मैं मोस्टली डालकर देती हूँ मम्मी को हल्दी. हाँ. वैसे तो, और बाहर नहीं निकलोगे, गरम पानी पियो और अपना ध्यान रखो. अच्छा, अब हम कल जा रहे हैं मूवी देखने. आपको लगता है कल आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे मूवी देखने के लिए? होप भाई, क्योंकि फिर पूरा 6 महीने मम्मा रहकर जा रहे हैं यहाँ पे, वरना ऐसा हर बार होता है. मम्मा जब भी आते हैं, चाहे दुबई में आते थे चाहे यहाँ पे, हम लोग मूवी देखने जरूर जाते थे, क्योंकि मम्मा इंडिया में अकेले तो इतना जाते ही नहीं है मूवी देखने, बिल्कुल भी नहीं जाते होंगे. लास्ट इंडिया में आपने मूवी कब देखी थी मम्मी? जब तेरे पापा थे. हाँ, पापा को गए हुए 5 साल हो गए, तो मम्मी ने इंडिया में 5 साल पहले मूवी देखी थी. बट आप जब पिछली बार कनाडा आए थे, हम लोग गए थे मूवी देखने. अभी होके आए हैं पिछले मूवी देखने. अब आए हैं तो अब हम गए नहीं है मूवी देखने. कौन सी मूवी देखी हमने? हमने देखी है इस बार. हाँ, अब वो हम थिएटर में मूवी देख रहे हैं. हाँ, थिएटर में गए हैं हम देखने. मेरे को तो खुद लग रहा है मैं 1 साल से नहीं गई हूँ मूवी देखने के लिए, और आप कह रहे हो भी हम गए हैं. हम गए हैं, या एमी ने वो बॉल भी
प्लेयर। हाँ राइट राइट, कोई फिर लेकिन मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, हम कुछ मेरे को भी नहीं याद आ रहा। अच्छा भाई गए होंगे, लेकिन अब लोगों ने ना दो मूवी यार सभी लोगों ने, थैंक यू सो मच फॉर द सजेशंस, लेकिन दो सजेशन सबसे ज्यादा मिले हैं, एक तो ऊंचाई मूवी का और एक भेड़िया मूवी का। तो मैं मम्मा को ना बता रही हूँ दोनों मूवीज के, मम्मी ऊंचाई मूवी तो है बड़े सारे ओल्ड एज कपल वो है लोग हैं, जैसे अमिताभ बच्चन है उसमें, डैनी है और वो है बोमन ईरानी है, अनुपम खेर है, तो ये सारे लोग हैं ऊंचाई मूवी में, और ये लोग ना नेपाल में ट्रैकिंग करने जाते हैं, तो ओल्ड एज की मूवी है ये, तो फूट करेगी आपको। और आपके टाइम के भी सारे हीरो हो गए। और एक मूवी है भेड़िया जो आजकल की है, वो थोड़ी सी ना वो है वो एक बंदे को भेड़िया काट जाता है और वो फिर भेड़िया बन जाता है, और फिर उसमें कॉमेडी भी है, वो आजकल की टाइप की है। तो वो कौन सी मूवी अच्छी लगेगी, भेड़िया जिसमें वो एक बंदे को भेड़िया काटता है और वो भेड़िया बन जाता है, या फिर वो ऊंचाई मूवी जिसमें ये दिखा रहे हैं कि एज कोई फर्क नहीं डालती, अगर आपके मन में शक्ति हो ना वो तो आप कुछ भी कर लेते हो, इस एज में भी हिमालय पर्वत चढ़ जाओगे, तो कौन सी मूवी देखना चाहोगे आप? तो अच्छाई देख लो फिर। अच्छाई अच्छाई देख, ऊंचाई 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 ऊंचाई, हाँ ऊंचाई सबसे ज्यादा लोगों ने रिकमेंड करी, और मुझे लगता है कि मम्मा की एज के हिसाब से भी ना ऊंचाई जाएगी, मम्मी ना मोटिवेट होकर जाएंगे। मैं चाहती भी हूँ कि मम्मा इंडिया में जा रहे हैं ना तो अपना अपने लिए करे भाई, वॉकिंग ना छोड़ना, यहाँ पर हमने साइकिलिंग शुरू करी है तो अपना साइकिलिंग तो वहां पे आप नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी बहुत वॉक करते रहना, अपने लिए काम करो, तो ऊंचाई मूवी आपको मोटिवेट करेगी कि एज वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, आपके मन में ना पूरी वो होनी चाहिए, क्या कहता है मेरे को वर्ड ही फन में नहीं आ रहा, एंड यू विल बी एबल टू डू गुड। तो वो ऊंचाई मूवी निकल देखें, अगर मम्मी की तबीयत ठीक रही तो। थैंक यू फॉर द सजेशन, मैक्सिमम लोगों ने ऊंचाई मूवी का सजेशन दिया है, तो हम लोग कल ऊंचाई मूवी देखने जाएंगे। ठीक है ठीक है, चलो अब आप सो जाओ, नहीं मैं आपको भी हल्दी वाला दूध देती हूँ पहले, फिर उसके बाद सोना। यार आज की वीडियो की एडिटिंग आपको थोड़ी हेफेफिट सी लगे ना, उसके लिए पहले सॉरी बोल देती हूँ, क्योंकि मैं अमित की जितनी इतनी अच्छी एडिटिंग नहीं कर सकती, आई एम लर्निंग। लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि जैसे अब अमित ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया ना, तो मुझे अपनी एडिटिंग स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, करना चाहिए, ताकि अमित के बिना भी मैं एडिटिंग कम से कम स्टार्ट कर सकूं, और रिफाइन वो बाद में कर देंगे, लेकिन आज की वीडियो मैं ही करने वाली हूँ। लेकिन मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि ऐसी एडिटिंग में अगर व्लॉग्स आ जाए तो आपको चलेगा क्या, या फिर आप बोलोगे कि यार जैसे अमित नहीं हो ना एडिटिंग करने के लिए तो मत डाला करो व्लॉग्स, क्या बोलोगे मुझे ये कमेंट्स में जरूर बताना। बर्थडे शाउटआउट, जिसकी वजह से मुझे लगा कि कोई बात नहीं मैं एडिटिंग करके डाल दूंगी, लेकिन बर्थडे है और 3 दिन बर्थडे हैं तो वीडियो आएगी आएगी। तो बर्थडे है मेरे 3 प्यारे से सब्सक्राइबर्स, एक तो सिंपल जी, उन्होंने मुझे सबसे पहले टोका था कि शिल्पा तुम शॉपिंग व्लॉग्स बनाती हो, कोई भी सामान कहीं से भी उठाती हो कहीं पर भी रख देती हो, ट्रस्ट मी उसके बाद मैंने कभी ऐसा नहीं किया, चाहे मैं शॉपिंग व्लॉग बना रही हूँ या मैं यूं ही शॉपिंग कर रही हूँ बिना व्लॉग के भी, मैंने कभी कभी ऐसा नहीं किया। थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस सिंपल जी, एंड विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा मेरी सब्सक्राइबर दानिया अशरफ एंड कोमल चोपड़ा, गर्ल्स विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही, प्लीज वीडियो को लाइक करना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताया करो, मेरे को अच्छा लगता है आपके कॉमेंट्स पढ़ना। अब मैं आपसे मिलूंगी कल नहीं परसों, तब तक के लिए ख्याल रखना, बाय।